हनी ट्रैप मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए इस पूरे मामले में राजनीति नहीं करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा कभी षड्यंत्र नहीं करती और भाजपा ने कभी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश नहीं की है। कांग्रेस तो खुद ही अपने कामों की वजह से टूटी हुई है। अभी तक चूंकि कोई भी बात मैंने कहा अधिकृत रूप से अभी सामने नहीं आई है। एक बार अधिकृत रूप से कोई बात सामने आए उसके बाद पार्टी अपनी बात सामने आती है। अभी तक जो मैंने पढ़ा है मीडिया में जो जानकारियां आई हैं उसके मुताबिक ये पढ़ा है कि उसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं, कांग्रेस के मंत्री भी शामिल हैं। लेकिन मैं कोई बयान नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैंने केवल ये कहा है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें ये बातें आ रही हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उससे हमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन इसको लेकर किसी किस्म की कोई राजनीति ना हो, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है।